कैंसर पीड़ित बहन को झांसे में रख भाई ने पत्नी के नाम करा दी रजिस्ट्री, 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी, सहनिवास गांव का मामला। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लाल बाटी रहने वाली एक महिला के साथ उसी के भाई ने 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी है। जानकारी के अनुसार रेखा शाक्य पत्नी राजेश शाक्य निवासी लालमाटी थाना कोतवाली ने बताया कि 2 वर्षों से कैंसर से पीड़ित हूं। मेरे भाई लखन शाक के पुत्र खरगाराम शाक निवासी ग्राम सेनिवास ने लगभग 9 रिश्वा भूमि जो 60 लाख रुपए 19 नवंबर को अपनी पत्नी अनीता के नाम रजिस्ट्री करा कर कहा कि 2 दिन बाद हम तुम्हारे जमीन के पैसे दे देंगे। इसके बाद ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल से इलाज कराकर जब जमीन के पैसे मांगे तो देने से मना कर दिया। महिला ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत आज SP ऑफिस में की है। क्या नाम है आपका? रेखा भाई। कहाँ की हो आप? लाल माटी। थाना कौन सा लगता है? जयपुर। तो SP साहब के पास आई हो आप? क्या समस्या लेके आई? समस्या में लेके आई हूँ, उसने पैसे नहीं दिए। कौन ने पैसे? मेरे भाई ने। कैसा पैसा, क्या मामला है? मामला जी है कि मैं बीमार रहती, सुबह मैं बोली कि लाल मो पैसे देगा, वो बोलो कि तुम्हें नाम रजिस्ट्री करा रहा है, मैं तो दे रहा हूँ 2 दिन में। जी समस्या और पूछ। कितने पैसे दिए थे आपने? अभी तो वो ये की नहीं दिया, अब मैं बोली मैंने बोलवा करने दे रहा हूँ। जमीन का कैसा क्या करवा लिया उन्होंने? मैंने नाम करवा ली। मतलब कितनी जमीन नाम करवा ली? 9 बिस्वा। कौन ने करवा ली? ये भाई ने, छोटे ने। तो क्या 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 नाम करवा लिया उन्होंने? क्या बोला? मानो के बीमार में कुछ पैसा दे रहा हूँ 60 लाख। तो अब आप इसमें आप क्या चाहती हो? अब मैं जैसा मुझे पैसे चाहिए नंगा। अच्छा, पैसे चाहिए आप? तो पैसे दे नहीं रहे हो? वो दे नहीं रहा रजिस्ट्री करवा ली उन्होंने।